हाय देयर, ये MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की हाइलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन, जिसके अंदर आपको हाइलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाइलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन। सो इसके अंदर वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग मोबाइल मार्केटिंग है। सो कई सारे एड्स दिखाई देते हैं जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, रिलेटेड कंटेंट एड्स होते हैं, सोशल मीडिया एड्स होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई देते हैं, और इसके अलावा वीडियो ओवरले एड्स होते हैं और कॉन्टेक्स्चुअल एड होते हैं। कॉन्टेक्स्चुअल एड जो होते हैं ये ऐसे एड होते हैं जो कि रिलीवेंट होते हैं पेज के कॉन्टेक्स्ट से, कॉन्टेंट से एक्चुअली। और रिटारगेटिंग एड होते हैं जिसमें उन लोगों को एड दिखाया जाता है जो ऑलरेडी वेबसाइट को विजिट कर चुके होते हैं। फ्लैश एड्स होते हैं, फ्लैश एड्स जो होते हैं ये इंटरेक्टिव वेब बैनर होते हैं जिनको एडोब फ्लैश के साथ बनाया जाता है। और इसके अलावा मोबाइल एप्स होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर एड्स चलते हैं और गेम्स के ऊपर एड चलते हैं, और ईमेल की जो सर्विस होती है उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि एड्स चलते हैं। सो क्या फ़ायदा है ई मार्केटिंग का? इससे अवेयरनेस होती है प्रोडक्ट के बारे में, इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसके मुकाबले में इसकी कॉस्ट कम है, इसमें प्रमोशन भी जल्दी हो जाती है और इसमें पर्सनल रिलेशन भी ये होता है। नुकसान इसका ये कि डिस्टर्बेंस होती है। सो फाइनेंस इन डिजिटल वर्ल्ड, इसके अंदर डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस आसान है, कैश फ्लो सिक्योर है और ईजी है, पेमेंट प्लान जो है वो ईजी है, और अब पेमेंट का जो तरीका है वो भी अब आसान होता जा रहा है, और मोबाइल डेटा जो शेयर होता है वो सिक्योर तरीके से होता है। उसके बाद है आखिर में फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन। सो कैसे डिलीट किया जाए फॉल्टी प्रोडक्ट्स को? सो इसको ऑटोमेशन के थ्रू किया जा सकता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 43। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये हाइलाइटेड हैंडआउट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।